एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही इजी और बहुत ही आसान घर में करने वाले या घर में कर सकते हो आप ऐसा कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेस जो हैं वो शेयर करूंगी। मुझे इंस्टाग्राम में बार बार जो है मैसेजेस आ रहे थे कि कार्डियो कुछ दिखाइए जो कि बहुत ही इजी हो, घर में कर सके, होम वर्कआउट जो घर में इजीली आसानी से आप कर सकते हो, वो वाले कार्डियो आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। और कार्डियो क्यों करना जरूरी है, जैसे कि अगर आपका बहुत ज्यादा वेट है, बहुत ज्यादा वेट गेन कर रखा है आपने और आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आपको एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आपको कार्डियो एक्सरसाइज जरूर से जरूर करना होगा, तभी जाके आपका बहुत जल्दी से जो है वजन घटना शुरू होगा, एक्स्ट्रा फैट जो है वो लूज होना शुरू होगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से मैं आप लोगों को 2-3 कार्डियो एक्सरसाइजेस बता देती हूँ जो कि बहुत ही असरदार है और इन्हें जरूर से जरूर हफ्ते में कम से कम 2 दिन या 3 दिन जरूर करें। और कार्डियो एक्सरसाइजेस जो है उन्हें खाली पेट करना जो होता है अच्छा होता है, और खाली पेट अगर आप इसको करोगे तो बहुत असरदार तरीके से ये आपके फैट को जो है वो कम करेगा और आपके वजन को भी ये घटाएगा। करने का बेस्ट जो टाइम है एक तो है सुबह, आपको सुबह आप उठने के बाद आपको क्या करना है, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप नॉर्मल पानी पीजिए। पानी पीने के बाद अगर कोई वेट लॉस ड्रिंक पीते हैं आप तो सुबह वो वेट लॉस ड्रिंक पी लीजिए। अगर आप कोई दवा लेते हैं तो वो दवा खा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप भूखे नहीं रह सकते तो आप बहुत ही हल्का कुछ खाइए। एक कोई फ्रूट खा सकते हो आप, एक केला खा सकते हो या फिर एक एप्पल खा सकते हो, कुछ आलमंड खा सकते हो। तो इस तरह का बहुत ही हल्का कोई कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, रोटी या इस तरह का ब्रेड वगैरह ऐसा कुछ मत खाइए। बहुत ही हल्का सा कोई एक फ्रूट या कुछ नट्स आप खाकर फिर कार्डियो एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। और आपको जो करना है शुरुआत में जब आप कार्डियो करोगे तो कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक आप कर सकते हो, यानी 10 मिनट या फिर आधा घंटा आपको कार्डियो करना है। और जैसे आपने, मैं आज जो दिखाऊंगी इसे, जैसे एक कार्डियो आपने कर लिया, जैसे 20 बार आपने कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट लेंगे, जरूर से जरूर कंटिन्यू आपको नहीं करना है, बीच बीच में आपको रेस्ट लेना है। जैसे एक कार्डियो आपने कर लिया उसके बाद आपने जैसे 10 सेकंड या 20 सेकंड का आपको रेस्ट जरूर लेना है, उस टाइम आप थोड़ा पानी पी सकते हो। थोड़ा पानी पी लिया, रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर दूसरे एक्सरसाइज को जाइए और उसके दूसरा एक्सरसाइज 20 बार या 30 टाइम्स या 20 टाइम्स जितना भी करना है करने के बाद फिर आप रेस्ट लेंगे और फिर तीसरे एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो इस तरह से आपको 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट आपको कार्डियो एक्सरसाइज करना है। और बेस्ट टाइम है सुबह, और जो दूसरा बेस्ट टाइम है वो है शाम को, यानी अगर आप 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अगर आप लंच कर लेते हो अपना, तो उसके बाद 4 से 6 बजे के बीच अपना कार्डियो जरूर स्टार्ट कर सकते हो आप। यानी सुबह का टाइम और शाम का टाइम बेस्ट टाइम होता है कार्डियो एक्सरसाइजेस करने के लिए। तो चलिए, इतनी बातें तो मैंने आप लोगों को बता दी किस तरह से करना है या कब करना है, क्या करना है। तो अब मैं, सो फ्रेंड्स, कार्डियो एक्सरसाइजेस बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, वो है एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट जो है टैबलेट्स प्रोमोट जॉइंट्स हील। यानी मुझे काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि हमें जॉइंट्स प्रॉब्लम है या हमारे हड्डियों में दर्द होता है, हम एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, हम क्या करें, हमें हमारे कमर में दर्द है या हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे जॉइंट्स में पेन होती है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो जॉइंट पेन अगर आपको हो तो उसका इलाज आपको करना होगा। और सबसे मेन बात क्या है, आप अगर एक ही जगह काफी देर तक बैठे रहोगे तो आपको जो है आपकी बॉडी मतलब एकदम से जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, आपके जो जॉइंट्स है वो फ्रीज हो जाएंगे। तो हमेशा बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, कुछ ना करने से अच्छा आप थोड़ा कुछ कीजिए तो तभी ना आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा। और जो है आज मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ वो है एनवेदा का जो है जॉइंट सपोर्ट प्रोमोट्स जॉइंट हेल्थ। यानी आपके जॉइंट्स जो होते हैं, हमारे जो घुटने या कोहनी या ये कंधे, इन जगहों पर पेन होना या दर्द होता है, तो क्योंकि थोड़ा बहुत चलते हैं तो घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो घुटनों में या हड्डियों में जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, तो क्यों आपके जॉइंट्स जो हैं वो कमजोर हैं, वो वीक हैं, इसीलिए उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है। तो एनवेदा जो है बिल्कुल नेचुरल एक जॉइंट सपोर्ट एक टैबलेट है जो, तो फ्रेंड्स ये है एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट प्रोमोट्स जॉइंट हेल्थ। यानी ये जो टैबलेट्स हैं ये हमारे जॉइंट पेन को या हमारे जो कार्टिलेज होते हैं उसको अच्छा रखने में, हमारे जॉइंट पेन को कम करने में मदद करता है, हमारे जॉइंट्स को अच्छा रखता है। इसमें आपको जैसे मिल जाएगा हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन टाइप 2, इसके अलावा ग्लूकोसामाइन,
कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम स्कॉर्बेट एंड MSM, यानी ये एक कोलाजन सप्लीमेंट है जो कि हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और आपको इसे लेना कैसे है, जैसे इसमें 90 टैबलेट्स हैं, आपको 90 टैबलेट्स इस एक डिब्बी में मिल रही है और आपको दिन में 3 बार इस टैबलेट को लेना है। और 90 टैबलेट्स यानी दिन में 3 बार, आपका ये 1 महीने का कोर्स है ये। और इसके अलावा इसको जैसे प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो फीडिंग मदर्स हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, वो नहीं ले सकते। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो इस टैबलेट को, इस कोलेजन सप्लीमेंट को नहीं ले सकते। इसके अलावा हर कोई इसे ले सकता है। और अगर आप इसको लेना चाहे, अगर आप चाहे तो आपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके भी इसको ले सकते हो। तो जैसे चलो मैं दिखा देती हूँ इसके किस तरह का ये टैबलेट है। ये कुछ इस तरह का इसके अंदर मिलता है, ये कोलेजन सप्लीमेंट है। और इसकी जो स्मेल है थोड़ी ऑरेंज स्मेल है, जो कि आपको खाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। बहुत अच्छी एक ऑरेंज संतरे जैसा इसका फ्लेवर है। और 90 टैबलेट्स आपको मिल रहा है 980 रुपीज़ में, यानी 980 रुपये में आपको 90 टैबलेट मिल रहे हैं। और 1 महीने का ये कोर्स है, आपको दिन में 3 टैबलेट्स आपको लेने हैं। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। तो ये है एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट। और चलो अब मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी वो कार्डियो एक्सरसाइजेस दिखा देती हूँ। तो इस कार्डियो एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक दुपट्टा या फिर एक तौलिया ले लीजिए और इसको आप डबल फोल्ड कर लीजिए। और अगर तौलिया छोटा हो तो आप इस तरह से हाथों में लेकर स्ट्रेट आपको पकड़ना है और इस तरह से आपको हाथों को ऊपर और नीचे करना है और इसके बाद आपको कूदना है इस तरह से। तो ये जो कार्डियो है ये बहुत ही आसान घर में आप कर सकते हो। ये स्पॉट जॉगिंग जैसा है कुछ, और फिर उसके बाद आप पैरों को थोड़ा सा फैलाकर आपको कूदना है। तो इससे क्या होता है, आपकी पेट की चर्बी बहुत जल्दी पिघलती है, साथ ही साथ आपके फुल बॉडी का फैट भी लॉस होता है। और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इस तरह के स्पॉट जॉगिंग करना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही अच्छा एक कार्डियो एक्सरसाइज है। इसके बाद आपको इस तरह से दुपट्टा पकड़ना है और इस तरह एक बार दाहिनी तरफ और एक बार बाईं तरफ अपने हाथों को घुमाते हुए आपको कूदना है। तो इससे आप देख सकते हो कि आपकी अपर बॉडी का फैट बहुत जल्दी लॉस होगा, साथ ही साथ आपकी बेली या कमर की जो फैट होती है वो भी इस कार्डियो से बहुत जल्दी लॉस होती है। तो इसे इन सभी को आपको 20 से 25 बार रिपीट करना है। और इसके बाद ये जो दूसरा तीसरा दिखा रही हूँ, इसमें आपको इस तरह से हाथों को स्ट्रेट रखना है दुपट्टे को पकड़ते हुए और उसके बाद पैरों को ऊपर इस तरह से दुपट्टे को टच करना है। तो सबसे पहले आप धीरे धीरे करोगे और उसके बाद आपको स्पीड बढ़ाकर जल्दी जल्दी इसे करना है। तो इससे आपकी लोअर बॉडी का जो फैट है वो बहुत जल्दी लॉस होता है। तो ये 3 कार्डियो आप जरूर से जरूर हफ्ते में 3 से 4 दिन करें। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, सिर्फ एक दुपट्टे की मदद से, एक दुपट्टा ले लीजिए या फिर एक टॉवल ले लीजिए, तो एक दुपट्टा और एक टॉवल की मदद से आप बहुत आसानी से 3 ये कार्डियो कर सकते हो। और आप देखोगे 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पसीना आना शुरू होगा। 2 से 3 दिन में आपको फर्क देखने को मिलेगा और 10 दिन में तो आपको विजिबल रिजल्ट मिलेगा। तो इस दुपट्टे की मदद से इन कार्डियोस को जरूर कीजिए, कोशिश करके देखिए, कम से कम 10 से 15 दिन कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वेट लॉस में या मोटापा घटाने में या बेली को फ्लैट करने में या फिर अपर बॉडी का फैट लॉस करने में कार्डियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस मैं शेयर करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मुलाकात होगी नए एक वीडियो के साथ।